गुरु महाराज और इस सिलसिले के सभी संत और माताएं यहाँ उपस्थित हैं और हमें आशीर्वाद दे रही हैं, उनको बारंबार प्रणाम। हम कितने भाग्यशाली हैं, गुरु महाराज की ऐसी अहेतु की कृपा है कि हम सब इस महान अध्यात्म यज्ञ में, जो कि बड़े सुअवसर पर एक विशेष विशिष्ट और एक बहुत ही आध्यात्मिक गहराई के साथ हम लोगों को उस अमृत कुंड में डुबोने के लिए आया है, जिसमें परम पूज्य मंजले भैया, परम पूज्य कृष्णकांत भाई साहब और भगवान कृष्ण सबके अवतरण पर के ऐसे महान पर्व पर हम सब यहाँ उस आनंद की जो वर्षा हो रही है, इतना सुंदर पर्व है, इतना महान, हम सब यहाँ उनकी कृपा के लिए बैठे हैं। ये परम पूज्य पंडित जी महाराज की कर्मस्थली, जहाँ उन्होंने वो पद प्राप्त किया जिसमें कहते हैं कि पूर्ण शिष्य ही पूर्ण गुरु बनता है। जैसे गुरु महाराज थे, वैसे ही पंडित जी महाराज ने वो काम अपने जीवन में चरितार्थ किया। यह हेतु की कृपा है कि हम सब यहाँ उनके शरण में, उनके चरणों में, इस महान चरण रज को अपने माथे पे लगा के घर जाएंगे। मैं उनकी वो एक किताब, जो ग्रंथ है हरि दर्शन की यात्रा, आप ने कितनों को कहां से कहां पहुंचा दिया। और ऐसे दीनहीन, जिनमें न शक्ति न जिनमें साधन न जिनमें श्रद्धा न विश्वास, सिर्फ करुणा और प्रेम से गुरु महाराज के उस शांति के सागर तक हाथ पकड़ के ले गए। ऐसा महान संत अगर कोई बाहां पकड़ के ले जाए, तो इससे बड़ी सेवा, इससे बड़ी करुणा, इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है। मैं आपको बताऊं, परम पूज्य छोटे भैया, जब मैं छोटा ही था तो सागर भंडारे ले गए, और परम पूज्य पंडित जी महाराज भी वहीं थे, और उन्होंने न जाने क्या देखा होगा, मैं आज तक नहीं समझ सका। एक प्रेम का छींटा इस शुष्क भूमि पर डाला, कैसी कृपा है। मैं फिर उनके पास आने लगा, यहाँ
आगरा उतर के आ जाता था। तो एक दिन बहुत परेशानी, कई दिनों से महीनों से चल रही थी, तो आके मैंने सोचा कि आपसे मैं पूछूंगा, आपकी ऐसी कृपा कि मैं बैठा सामने और जो कुछ जहन में था वो जैसे उड़ गया। मैं सोचता रहा कि मैं इतने सारे प्रश्न लेके आया था, याद करता रहा, ढूंढता रहा, कहीं मिला ही नहीं। ऐसी उनकी अहेतु की कृपा थी। एक दिन उनके चरणों में गिरा तो आप बोले कि देख पुत्र, ये जगत जननी जिया मां, इनकी ओर देख कितनी प्रेम और करुणामयी है। जिसने मां की तरफ देख लिया भर, उन्होंने अपने वक्ष स्थल से लगा अमृत पान करा दिया। ऐसा ये परिवार है, किस तरफ देखूं, किसके चरण छूं। तीनों को कहां से कहां ले जाते हैं, लेकिन हरि दर्शन की यात्रा में आखिरी के बहुत सारे पेजेस में ये लिखा है कि बड़े त्याग करने पड़ते हैं, बड़े विघ्न आते हैं। पंडित जी महाराज लिखते हैं कि एक महात्मा थे, एक मैदान में खड़े थे, देखा कि पीछे एक दाढ़ी वाला मुड़ के पूछा कि तुम कौन हो। बोला मैं शैतान हूं, साधारण मनुष्यों के आगे आगे चलता हूं, महात्मा और साधक उनके पीछे पीछे। जब वो बहुत स्वादिष्ट भोजन कर रहे होते हैं तो भी मुझे मौका मिल जाता है, कहीं एकांत में कुछ सुंदर रूप देख लेते हैं तब भी मुझे मौका मिल जाता है। और जो इन सब से बच जाते हैं वो मान और दंभ में फंस जाते हैं, तब भी मुझे मौका मिल जाता है। सिर्फ आप ही का प्रेम है, आप ही की कृपा है जिससे हम बच सकते हैं, नहीं तो ये शैतान पीछे पीछे गुमराह करने के लिए, पथभ्रष्ट करने के लिए हमेशा तैयार। उस हरि दर्शन की यात्रा में उन्होंने ही हाथ पकड़ा हुआ, बस हाथ मत छोड़ना, आप कृपा करो। इस कृपा साध्य साधन को जिसको गुरु महाराज ने हम सब के लिए एक भंडारे के रूप में बांट दिया है, ऐसी महान और पतित पावनी क्रिया खुले बांटती है, अब वही हम करेंगे। ऐसा देखें कि परमात्मा का प्रकाश सामने से हमारे हृदय में आ रहा है, रोम रोम में फैलता चला जा रहा है और हम उस प्रकाश में लय होते चले जा रहे हैं। मन इधर उधर जाए तो हम फिर उसे इसी विचार पर ले आए कि परमात्मा का प्रकाश सामने से हमारे हृदय में आ रहा है, रोम रोम में फैलता चला जा रहा है और हम उस प्रकाश में लय होते चले जा रहे हैं। एक सुख आसन से बैठ जाएं, क्योंकि जब जब हमारा शरीर हिलता है तो मन भी विचलित होता है। आंखें धीरे से बंद कर लें। शुरू में दो प्रार्थनाएं होंगी, ध्यान चलता रहेगा, जब परम पूज्य का आदेश हो तब हम आंखें खोलें। शुरू करें।